हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा है सब अपने अपने घर में गार्डनिंग कर रहे होंगे। और ये देखिए, आज मैं आपको अपना मनी प्लांट दिखाने वाली हूँ। ये नीचे देखिए कितनी सारी इसकी टहनियाँ इतनी बड़ी बड़ी होके और नीचे तक आ गई है। मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी इसको ठीक करने का, पर आज मैं जब करने बैठी तो मैंने सोचा चलिए इस पर वीडियो भी बना देते हैं। ये मेरा 1 साल पुराना मनी प्लांट है और आप देखिए कितना ज़्यादा बुशी हो गया है। ये समर वैसे भी मनी प्लांट का ग्रोइंग पीरियड होता है, तो ये एकदम से इसकी जितनी भी वो ब्रांच है ये सब ग्रो होने लगी। देखिए दोस्तों, ये कितनी बड़ी बड़ी ब्रांचें इसकी नीचे लटक रही हैं, बहुत सारी ब्रांच हैं। तो इन सबको आज मुझे ठीक करना था, कटिंग भी करनी थी इसकी, क्योंकि ये मैंने पिछले साल जब लगाया था तो बस 2 या 3 डंडियाँ लगाई थी। और उसके बाद मैंने ये देखिए इसमें मॉस स्टिक अपने हाथ से बना के लगाई है। ये देखिए, अगर आपको मॉस स्टिक बना कैसे बनाते हैं पता करना होगा तो मैं आपको लिंक डाल दूँगी, आप कमेंट करके बता दीजिए। ये देखिए कितना अच्छा ग्रो हो रहा है मेरा मनी प्लांट। तो आज मनी प्लांट के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं दोस्तों। विंटर में तो ये एक तरह से डोरमेंसी में चला जाता है, इसकी ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है, कोई भी ग्रोथ नहीं होती है, जितना होता है उतना ही होता है, बल्कि पत्ते और पीले पड़ पड़ के इसके सूखने लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही समर शुरू होता है फरवरी के बाद से इसका ग्रोइंग पीरियड शुरू हो जाता है। मनी प्लांट के लिए मिट्टी हमें नॉर्मल बनानी है, ऐसी मिट्टी बनानी है पोरस बिल्कुल, जिसमें पानी बिल्कुल भी होल्ड करके ना रहे। और कंपोस्ट हम इसमें ज़्यादा नहीं देते हैं, साल में 2 या 3 बार ही कंपोस्ट देते हैं। एक जब समर सीजन शुरू हो रहा होता है तब हमें इसे अच्छी तरह से मिट्टी बना दें, या तो पुराना है गमला तो नई मिट्टी बना दें और कंपोस्ट अच्छी मिला दें, और अगर नया है तो फिर तो कोई बात ही नहीं, जो हम मिट्टी बनाएंगे वो अच्छी बनाएंगे। लेकिन समर में एक बार इसे अच्छी तरह से कंपोस्ट दे देनी चाहिए। इसकी जो मॉस स्टिक है इसको हर हमेशा इसमें नमी बनी रहनी चाहिए, क्योंकि इसकी जड़ें इसमें जाके इसमें से ही नमी को लेती रहती हैं। और जो मिट्टी है दोस्तों इसकी, वो बिल्कुल सूखी नहीं रखनी चाहिए और बहुत ज़्यादा सौगी भी नहीं रखना चाहिए, लेकिन थोड़ी नमी बनी रहनी चाहिए इसकी मिट्टी में, ताकि ये उसमें से अपने लिए पानी लेता रहे। देखिए इस तरह से इसकी मॉस स्टिक को गीला रखना चाहिए पानी से। और गर्मी के दिनों में इसमें सुबह शाम 2 बार स्प्रे जरूर करना चाहिए इसके पत्तों पर। जितना स्प्रे करेंगे उसके पत्तों का साइज उतना बड़ा होता जाएगा और अच्छी ग्रोथ होती रहेगी दोस्तों। मनी प्लांट पे वैसे तो किसी भी तरह का कीड़ों का कोई भी अटैक नहीं होता है, लेकिन अगर कभी कभी हमें इसमें फंगीसाइड वगैरह का स्प्रे करते रहना चाहिए, क्योंकि मिट्टी में फंगस नहीं आने देना चाहिए। बरसात में कई बार फंगस आ जाती है और ये नीचे से बिल्कुल मिट्टी ढक जाती है इसके पत्तों से, तो पता नहीं चलता, इसलिए बीच बीच में पत्तों पर और मिट्टी में भी फंगीसाइड का स्प्रे करते रहना चाहिए। और कीड़ों के लिए तो वही हमारा नीम ऑयल सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, नीम ऑयल का स्प्रे बीच बीच में कर देना चाहिए। और 1-1 महीने के अंतर पर या 2-2 महीने के अंतर पर हमें इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़रूर देते रहना चाहिए, ताकि इसकी अच्छी ग्रोथ होती रहे दोस्तों। और मैं आपको अब एक चीज़ और दिखाती हूँ, ये देखिए, ये है कच्चा दूध। कच्चा दूध पानी में मिक्स करके इस तरह से पंप में डाल के, ये देखिए मैं कच्चे दूध को पंप में डाल के इस तरह से और इसका स्प्रे सारे पत्तों पे कर देती हूँ बीच बीच में। देखिए दोस्तों, इस तरह से कच्चे दूध का स्प्रे करने से इस पर किसी भी तरह का फंगस का और कीड़ों का भी अटैक नहीं होता, कीड़ों से ये बचा के रखता है कच्चे दूध से। कच्चे दूध की महक से कीड़े बिल्कुल भी इस पेड़ के पास नहीं आते हैं। इसका कच्चे दूध का स्प्रे हम अपनी तुलसा जी में भी कर सकते हैं, उस पर भी कीड़ों का कोई भी अटैक नहीं होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी हम छोटी सी भी कटिंग लेकर कहीं भी बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं, पानी में भी ग्रो कर सकते हैं, मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हैं। ये छोटे से छोटे पॉट में भी आराम से चल जाता है। अब मैं आपको छोटे पॉट में लगे हुए अपने मनी प्लांट दिखाती हूँ दोस्तों। ये देखिए, ये इतना छोटा सा 2 इंच का पॉट है और इसमें मेरा मनी प्लांट कितना अच्छा चल रहा है ये देखिए। और ये छोटी सी प्लास्टिक की बोतल है और इसका ये मनी प्लांट देखिए आप कितना अच्छा है, ये देखिए पूरी मेरी विंडो पे चल रहा है। ये देखिए कितनी लंबा लंबा इसकी शाखाएं पहुंच चुकी हैं। और ये मैंने एक ये गोल्डन की बोतल में मनी प्लांट लगाया दोस्तों, ये देखिए ये भी कितना प्यारा चल रहा है।
मनी प्लांट को हम कहीं भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं और ये बहुत जल्दी चल जाता है। इसकी हम हैंगिंग बास्केट भी बहुत अच्छे अच्छे बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लीजिए। थैंक यू।